Tutorial 52 Solving सॉल्विंग Paper पेपर Part 2 पार्ट टू तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन एम अमित कुमार एंड दिस इज द फिफ्टी सेकेंड ऑफ आर वीडियो सीरीज ब्लू जे फॉर टेंथ एंड आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्पेसिमन पेपर 2020 के पार्ट टू को देख रहे हैं एंड डेफिनेटली आज भी हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे इनफैक्ट आज हम सिर्फ एक प्रोग्राम को डील करने वाले हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब सॉर्टिंग टेक्निक हम लोगों ने ब्लू जे फॉर टेंथ वीडियो सीरीज़ में डील नहीं किया है क्योंकि हम लोग बेसिकली इसको ब्लू जे फॉर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए रखेंगे बट एक सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक माइन्यूट इंट्रोडक्शन क्लास टेंथ में भी है तो उसको हम लोग पहले समझते हैं एंड फिर इस प्रोग्राम को बनाएंगे अब सॉर्टिंग क्या है सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं सो so अगर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वैल्यू है तो अगर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमने सॉर्टिंग किया है अब यहाँ पर जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यू है वो एक एरे है और आप देख सकते हैं कलेक्शन में पाँच वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पर उनके इंडेक्सेस को भी स्पेसिफाई किया है क्योंकि ये समझने में मदद करेगा अब सिलेक्शन शॉटिंग टेक्निक क्या करता है ये हर बार एक इंडेक्स को सिलेक्ट करता है एंड उसको रेस्ट ऑफ द वैल्यू से कंपेयर करता है या कह सकते हैं एक वैल्यू को सिलेक्ट करता है और उसको रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेज से कंपेयर करता है फॉर एग्जाम्पल अब इसको ये कई कई राउंड्स में करता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे वैल्यूज हैं तो एक बार में वो एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करेगा एंड फिर सबके साथ कंपेयर करेगा इसलिए इसको सिलेक्शन शॉर्ट कहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं हम राउंड वन की बात कर रहे हैं एंड राउंड वन में उसने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्टेड इंडेक्स uh, है जीरो यानी फर्स्ट इंडेक्स उसने सिलेक्ट किया एक और इंडेक्स होगा वो होगा कंपेयरिंग इंडेक्स कंपेयरिंग इंडेक्स एक्चुअली वो इंडेक्स होगा जो कंपेयर होगा सिलेक्टेड इंडेक्स के साथ और हमेशा कंपेयरिंग इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू सिलेक्टेड इंडेक्स से एक ज्यादा होगी सो so, हम लॉजिक में तो लिखेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स प्लस वन बट क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिलहाल के लिए कंपेयरिंग इंडेक्स होगा वन ओके okay. अब लॉजिक हमारा ये कह रहा है कि सिलेक्टेड इंडेक्स जो वेरिएबल है उसको हम चेंज नहीं करेंगे यानी सिलेक्टेड इंडेक्स सेम रहेगा कंपेयरिंग इंडेक्स हर बार चेंज होगा सो so, इसी के लिए सिलेक्टेड इंडेक्स जो है ये हमारा आउटर लूप काउंटर आप कह सकते हो वो होगा एंड कंपेयरिंग इंडेक्स हमारा इनर लूप काउंटर होगा तो so, एक बार जब हम किसी एक वैल्यू को सबसे कंपेयर कर लेंगे तभी हम सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे सो वेल एंड गुड अब राउंड वन चल रहा है सिलेक्टेड इंडेक्स जीरो है कंपेयरिंग इंडेक्स है वन दो वेरिएबल यहां और बनेगी एक सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को होल्ड करने के लिए सो so मैं उसको रख ले रहा हूं एस वैल्यू एंड एक टेम्प्रेरी वैल्यू को होल्ड करने के लिए सो एस वैल्यू में वैल्यू है टेन एंड एक टेम्प्रेरी वैल्यू को होल्ड करेगा सो टी वैल्यू एंड टी वैल्यू में फिलहाल टेम्पररी वैल्यू में भी हम लोग होल्ड कर लेते हैं टेन को सो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम ओके ओके okay, सो so हमने क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखी है? एक हमारा सिलेक्टेड इंडेक्स है ओके okay, एक हमारा कंपेयरिंग इंडेक्स है सिलेक्टेड इंडेक्स पे हमारी सिलेक्टेड वैल्यू है एंड हम कह सकते हैं कंपेयरिंग इंडेक्स जो है वो कोई उसकी वैल्यू को हम लोग रन टाइम पर यूज़ करेंगे वेल एंड गुड अब हम लोग क्या करने वाले एक और वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट क्रिएट करेंगे टेम्पररी इंडेक्स अब काफ़ी सारे इंडेक्सेज हो गए राइट right? तो मैं जब इसको इंप्लीमेंट करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी अब इस टेम्परे इंडेक्स में मैं सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को ही स्टार्टिंग में डाल दे रहा हूं अब होगा क्या हम इस सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को सबसे कंपेयर करेंगे सो टेन कंपेयर होगा फाइव से एट से थ्री से और टू से अब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि टेन से छोटी वैल्यू हमको ना मिले अगर हमको टेन से छोटी वैल्यू मिल रही है तो हम उस वैल्यू को टेन की पोजीशन पर रखने के लिए रेडी रखेंगे राइट right? तब तक हम ये ऐसा करते रहेंगे जब तक हमको सबसे छोटी वैल्यू टेन से सबसे छोटी वैल्यू जो यहां पर अवेलेबल है वो नहीं मिल जाती जब हमको लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको उठाकर फर्स्ट लोकेशन पर स्टोर कर देंगे क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड उसको सबसे पहले लोकेशन पर रख देंगे सो so, बहुत सिंपल है अब यहाँ पर कंपेरिंग करने के लिए कंडीशन क्या होगी तो कंडीशन बहुत सिंपल होगी कि एरे का सिलेक्टेड इंडेक्स राइट एरे का सिलेक्टेड इंडेक्स शुड बी लेस देन एरे का कंपेयरिंग इंडेक्स मगर किसी वजह से एरे का सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू एरे की कंपेयरिंग इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो हमको यानी ये उल्टा कंडीशन हो जाता है तो हमको यहाँ पर कुछ काम करना होता है हमको या, क्या क्या सॉरी हमको यहां पर क्या काम करना होता है हमको यहां पर सबसे पहले तो नोट डाउन करना पड़ता है कि ये कंपेयरिंग इंडेक्स कौन सा है यानी वो कौन सा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू से छोटी आई है तो इसी को होल्ड करने के लिए हमने टेम्प्रेरी इंडेक्स बनाया है so, सो हम टेम्प्रेरी इंडेक्स में इस समय होल्ड करेंगे कंपेयरिंग इंडेक्स को ओके okay? सो so, हमको वो वैल्यू मिल जाएगी एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग इस टेम्पररी वैल्यू में भी उस वैल्यू को होल्ड कर लेंगे सो टेंरी वैल्यू में हम लोग टेम्प्रेरी इंडेक्स की वैल्यू को होल्ड कर लेंगे सो so, एरे का टेम्परे इंडेक्स की वैल्यू होल्ड कर लेंगे दैट्स इट एंड उसके बाद जब ये लूप खत्म होगा तो हमको बस ये करना है कि सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को स्वैप करना है टेम्प्रेरी इंडेक्स की वैल्यू के साथ एंड दैट्स इट सो so, अब इसी को अगर मैं एग्जीक्यूट करके बताऊं तो यहाँ पे देखिए जीरो इंडेक्स सिलेक्टेड इंडेक्स है कंपेयरिंग इंडेक्स है वन वैल्यू डेफिनेटली छोटी है सो so, अब हमारे टेम्पररी इंडेक्स में वन आ जाएगा टेम्पररी वैल्यू हो जाएगी फाइव ओके सो so, हमेशा हम लोग टेम्पररी वैल्यू के साथ ही एक्चुअली कंपेयर करते हैं तो ये जो मैंने लिखा ना एरे डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई होगा कैसे मॉडिफाई होगा इट शुड बी एरे डॉट टेम्पररी इंडेक्स ओके हम सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को टेम्प्रेरी इंडेक्स में ए, ए, एंटर कर देंगे ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी था राइट सो अब मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ इसके बाद मैं आपको इसका ड्राई रन एक बार और दिखाऊंगा एंड देन फिर हम हम लोग अपने प्रोग्राम पे चलते हैं तो ये एक प्रोग्राम है जो एक्चुअली एक एरे को सॉर्ट करेगा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है सो लेट्स सी एरे सॉर्ट और मैं जल्दी से इसके कोड लिख देता हूं एंड फिर हम आगे काम करते हैं ओके okay, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है उसमें रैंडम वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी एंड यहाँ पर मैंने दो बार लूप रन किया है पहली बार मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है बिफोर सॉर्टिंग एंड उसके बाद एरे की वैल्यू को प्रिंट किया एंड दूसरी बार आफ्टर सॉर्टिंग एंड उसके बाद एरे की वैल्यू को प्रिंट किया अब हम अपने सिलेक्शन शॉट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सिलेक्शन शॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आउटर लूप चाहिए आउटर लूप मैंने बताया था आपको फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होगा एंड इसको हम लोग रन कर देते हैं Less than array length, so array dot length and i plus plus. यहाँ पर हम लोग एक और लूप क्रिएट करेंगे अब ये जो आउटर लूप है हमारा ये हमारा सिलेक्टेड इंडेक्स के लिए एंड डेफिनेटली हम लोग लास्ट इंडेक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसको कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी सो so, आप इसे चाहो तो i लेस देन एरे लेंथ माइनस वन तक भी रन कर सकते हो ओके okay? क्योंकि मान लो लास्ट इंडेक्स फोर है तो आप फोर इंडेक्स को सिलेक्ट भी कर लेते हो तो फोर इंडेक्स को किससे कंपेयर करोगे सो so, अगर आप इसको नहीं भी करते तो भी ये कंप्लीटली सही तरीके से रन करेगा कोई दिक्कत नहीं है मैं बस ये समझाने के लिए आपको बोला अब यहाँ पर हम लोग जे जो दूसरा लूप है जो कंपेयरिंग इंडेक्स है एक्चुअली उसमें आई प्लस वन को मैं होल्ड कर दे रहा हूँ जे इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस अब यहाँ पे मेरे दो इंडेक्सेस आ चुके हैं एक मेरा सिलेक्टेड इंडेक्स राइट जो एक्चुअली आई से डिनोट हो रहा है और दूसरा मेरा कंपेयरिंग इंडेक्स है यहाँ पर जो जे से डिनोट हो रहा है एंड मैं एक टेम्पररी इंडेक्स भी होल्ड करूंगा सो so मैं टी इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड इसमें मैं सिलेक्टेड इंडेक्स को होल्ड कर दे रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैं टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ या टी वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ इसमें सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू को होल्ड कर दे रहा हूँ यानी टी इंडेक्स की वैल्यू को होल्ड कर दे रहा हूँ ओके okay. अब मैं इस लूप को रन करूंगा एंड इस लूप में मैं कंडीशन ये चेक करूंगा कि मेरे सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू यानी मेरे टेम्प्रेरी इंडेक्स की वैल्यू राइट right? ये जो या फिर आप सीधा टेम्प्रेरी वैल्यू से काम कीजिए इंडेक्स के साथ नहीं मेरी टेम्प्रेरी वैल्यू जो है अगर ये किसी भी वजह से बड़ी हो जाती है मेरी कंपेयरिंग इंडेक्स के साथ यानी एरे के जे के साथ तो मैं इस जेत इंडेक्स को होल्ड कर लूंगा और इसकी वैल्यू को होल्ड कर लूँगा सो इंडेक्स को होल्ड करने के लिए टी इंडेक्स राइट right? मैं इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो डोंट वरी टी इंडेक्स एंड टी इंडेक्स में हम होल्ड करके क्या रखेंगे हमारे जे की वैल्यू जो करंट इंडेक्स है एंड साथ ही साथ टी वैल्यू भी चेंज हो जाएगा अब इसी इंडेक्स की वैल्यू को भी होल्ड कर लेंगे सो एरे टी इंडेक्स और एरे जे दोनों करेंगे एक ही आउटपुट आएगा कोई अंतर नहीं आएगा ओके okay, सो so, हमारा ये लूप uh, रेडी है अब इस इनर लूप के बाद हमको यहाँ पर स्वैपिंग करना है अब सिलेक्शन शॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त बच्चे यही स्वैपिंग यहाँ करते हैं लूप के अंदर डेफिनेटली वो सिलेक्शन शॉर्ट नहीं है आपको आउटपुट मिल जाएगा शॉर्टिंग हो जाएगी अरेंज हो जाएगा मगर वो लॉजिक सिलेक्शन शॉट का नहीं है और आपने एग्जाम का क्वेश्चन देखा है उसमें मेंशन है कि आपको सिलेक्शन शॉट ही करना है तो अगर आप किसी और लॉजिक से शॉर्ट करते हो तो भले ही शॉर्टिंग हो जाए आपको शॉर्टिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप इसी लॉजिक को यूज़ कीजिएगा यहां पर हमको बहुत सिंपली एक छोटा सा काम करना है कि एरे के हमारा सिलेक्टेड इंडेक्स आई है राइट? सो so, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आई एथ इंडेक्स पे वैल्यू होल्ड कर ले रहे हैं और आई एथ इंडेक्स की वैल्यू कहीं पे रख दे रहे हैं आई एथ इंडेक्स की वैल्यू कहा जाएगी हमारा जो टी इंडेक्स है यही वो पोजीशन थी जहां पर हमको वो वैल्यू मिली है जो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे होनी चाहिए थी सो एरे टी इंडेक्स में हम एक्चुअली uh, होल्ड कर देंगे हमारे सिलेक्टेड इंडेक्स या हमारे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एंड हमारे फर्स्ट इंडेक्स में अब हमारी टेम्प्रेरी वैल्यू आ जाएगी यानी कि टी वैल्यू एंड इसी के साथ हमारा स्वैपिंग कंप्लीट हो गया तो ये हमारा कंप्लीट स्वैपिंग लॉजिक है मैं इसको ड्राई रन करके अभी आपको बताऊंगा मगर उससे पहले आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ सो so, इसको रन करते हैं मेन ओके सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये शॉर्ट हो रहा है और मैं यहाँ कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा यानी यही वैल्यू यही कंडीशन को मैं लेस देन कर दूँ एंड इसको कंपाइल करके दोबारा से रन करूँ सो वही प्रोग्राम अब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को देगा अब मैं इसके ड्राई रन को दिखाता हूँ सो so, चलिए इसके ड्राई रन के लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं एंड अपने पेंट पे चलते हैं ओके okay, सो so मैं उसी चीज़ को पेंट में ना करके यहाँ पे वर्ड पे करके दे रहा हूँ क्योंकि पेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो चलिए फर्स्ट राउंड को पास करते हैं और फर्स्ट राउंड को पास करने के बाद हमको बेसिकली अपने प्रोग्राम के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं सो तो ये हमारा प्रोग्राम है सो तो अगर मैं आपको प्रोग्राम के हिसाब से दिखाऊँ सो तो यहाँ पे आप देखिए हमको बेसिकली ध्यान देना है कि हमारे टी इंडेक्स और टी वैल्यू में क्या वैल्यू आ रही है सो तो फर्स्ट राउंड पे रन कर रहे हैं आई की वैल्यू जीरो है टी इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी टी इंडेक्स की वैल्यू जीरो रहेगी वैल्यू में एरे का टी इंडेक्स आ जाएगा so, एरे का टी इंडेक्स एरे का इंडेक्स यानी यानी लोकेशन टेन, अब वैल्यू वैल्यू में आ जाएगा, ये लूप के अंदर आएगा, जे की होगी वन। जे एरे से छोटा है यहाँ टी वैल्यू जो कि है टेन कंपेयर होगा एरे के जे इंडेक्स है जो है फाइव। टी अच्छा, ये हम ग्रेटर देन की कंडीशन लगा दें क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ओके डेफिनेटली टी वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे क्या होगा टी इंडेक्स में टी इंडेक्स में जो इससे पहले जीरो को होल्ड कर रहा था अब जे की वैल्यू यानी फाइव का इंडेक्स होल्ड करेगा एंड टी वैल्यू में फाइव है अब टी इंडेक्स में वन है एंड टी वैल्यू में फाइव है यहाँ पे फिर से कंपेयर हो रहा है जे की वैल्यू बढ़ेगी अब जे की वैल्यू जाएगी टू डेफिनेटली एरे जे रिटर्न करेगा एट एंड टी वैल्यू रिटर्न कर रहा है फाइव एट इज नॉट लेस देन फाइव कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे जे की वैल्यू बढ़ेगी हो जाएगी थ्री एंड टी वैल्यू है फाइव फाइव इज ग्रेटर देन थ्री कंडीशन ट्रू है सो टी इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा ये इंडेक्स जो कि है थ्री एंड टी वैल्यू में स्टोर हो जाएगा इसी की वैल्यू जो कि है थ्री जे की वैल्यू बढ़ेगी हो जाएगी फोर टी वैल्यू में अभी है थ्री एरे का फो सॉरी एरे का फोर्थ इंडेक्स जो रिटर्न करेगा टू सो थ्री इज ग्रेटर देन टू कंडीशन ट्रू है टी इंडेक्स में वैल्यू आएगी फोर एंड टी वैल्यू में वैल्यू आएगी टू सो डेफिनेटली इनर लूप जब खत्म होगा सो so आपके टी इंडेक्स पे फोर इंडेक्स है जो लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू है एंड टी वैल्यू में उसी की वैल्यू है ओके नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा सो so वो आई इंडेक्स सिलेक्टेड इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि आई वेरिएबल की वैल्यू वन हो जाएगी सो वन इंडेक्स सिलेक्टेड इंडेक्स हो जाएगा बाई मिस्टेक एंड कंपेयरिंग इंडेक्स टू से शुरू होगा सो डेफिनेटली टू फर्स्ट लोकेशन पे आ चुका है जो लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू है तो उसके बाद उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा और बची हुई वैल्यू उसको कंपेयर करेंगे सिलेक्शन शॉट को एक बार और हम लोग देखेंगे क्लास एवंथ में ज़्यादा डिटेलिंग के साथ एंड हम लोग इसके अलावा कुछ और शॉर्टिंग टेक्निक्स भी देखेंगे बट आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सिलेक्शन शॉटिंग किस तरह से काम कर रहा है नाउ हम लोग अपने प्रोग्राम पे चलते हैं हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है हमारा प्रोग्राम कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको यूज़र से दो एरे में वैल्यूज़ लेनी है पहले एरे में हम यूज़र से नेम लेंगे दूसरे एरे में हम लोग परसेंटेज लेंगे एंड थर्टी फाइव स्टूडेंट्स को के लिए हम ये काम करेंगे और उनकी वैल्यूज नेम और उनका परसेंटेज हम स्टोर करते चले जाएंगे एंड फाइनली उनके परसेंटेज के हिसाब से हम सॉर्ट करके वैल्यू को दिखाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब सपोज तीन स्टूडेंट हैं ए बी और सी एंड यहाँ पर सी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं सो तो जब आप मार्क्स को सॉर्ट करोगे तो उसी समय आपको नेम्स को भी सॉर्ट करना होगा अगर आपने दोनों को एक साथ सॉर्टिंग नहीं किया तो पता चलेगा कि, कि किसी और स्टूडेंट के मार्क्स किसी और स्टूडेंट को मिल गए सो so, जिस समय आप मार्क्स को शॉर्ट करेंगे उसी समय आप नेम्स को भी शॉर्ट कीजिएगा सो नेम्स को शॉर्ट क्या करना है बस नेम्स की वैल्यू को चेंज करना है डेट सेट सो इस काम को करने के लिए मैं जल्दी से प्रोग्राम को बनाता हूँ एंड फिर आगे की बात करते हैं ओके okay, सो so आप हमारा कोड देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लास में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे दो एरे क्रिएट किए हैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक इंटीजर टाइप का एंड दोनों की साइज़ मैंने 35 सेट किए यहाँ पर एंड यहाँ पर मैंने एक लूप भी रन किया है एंड इस लूप में मैंने अभी तक कुछ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया अब मैं स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा इस लूप में तीन चीज़ें मैंने प्रिंट किए एक एंटर नेम्स फिर एंटर परसेंटेज एंड एक लाइन मैंने प्रिंट किए ताकि हम लोग एक स्टूडेंट के परसेंटेज और नेम को दूसरे से कंफ्यूज ना करें खासतौर पे जब हम लोग एंटर कर रहे हो क्योंकि हमको बाद में जब उसको चेक करना होगा तो दिक्कत होगी सो so, मैं नेम्स में एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ इनफैक्ट परसेंटेज अगर डबल नहीं दिया हुआ तो आप इंटीजर ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में मैंशनड है तो डेफिनेटली आपको डबल ही लेना होगा सो so, नेम्स के आईएत इंडेक्स पे मैं स्कैनर से वैल्यू ले लूँगा सो स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन एंड इसी तरह से मैं परसेंटेज भी एक्सेप्ट करूँगा मगर परसेंटेज भी एक्सेप्ट करते वक्त मैं नेक्स्ट लाइन मेथड से ही वैल्यू लूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ न्यूमरिक वैल्यू को डील करते हैं तो अक्सर एक प्रॉब्लम आती है सो so, इसी को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर रैपर क्लास के इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी मेथड को यूज़ करूँगा एंड इसी में मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन को पास कर दूँगा ओके सो क्लियरली मैंने नेम एंड परसेंटेज को एक्सेप्ट कर लिया है एंड मुझे अब इस एक्चुअली uh, सॉर्टिंग यहाँ पे करनी है नेम्स को सॉर्ट करना है एंड नेम्स के साथ साथ मुझे परसेंटेज को भी सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम अपने काम को रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पे साइज़ नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है uh, अपना काम थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए क्योंकि जब मैं इसको रन करूँगा तब मैं थर्टी फाइव नेम्स एंड मार्क्स नहीं एंटर करूँगा तो so, मैं इसलिए एक साइज वेरिएबल बना दे रहा हूँ मैं वहीं से उसको चेंज करूँगा एंड एरे की साइज लूप में और हर जगह पर एक साथ चेंज हो जाएगी सो so, नाव अब हम लोग क्या करने वाले हैं सॉर्टिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और सॉर्टिंग करने के बाद हमको नेम्स एंड परसेंटेज शो करना है तो मैं यहाँ पर ओके okay, एक सिंपल लूप पहले सॉर्टिंग के लिए कर रहा हूँ क्रिएट एंड ये लूप हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने सिलेक्शन सॉर्ट के लॉजिक को बस इम्प्लीमेंट करना है दूसरी जगह पर तो मैं यहाँ पे इस इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड वैल्यू एक्सेप्ट करने के ठीक बाद मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे जैसे कि एरे का नाम हम लोग नेम्स के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हम एरे का नाम चेंज कर रहे हैं ये नेम्स हो जाएगा एंड यहाँ पे भी एक्चुअली हम परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं इट शुड बी परसेंटेज रादर देन नेम नेम नहीं होगा ये परसेंटेज होगा तो हमको यहाँ पे काफ़ी चेंजेस करने हैं आप ध्यान दीजिएगा मैं जब, जब जब जो जो चेंजेस यहाँ पे कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं एरे को चेंज करके एरे का नाम चेंज करके परसेंटेज एंटर कर रहा हूँ हर जगह पर ओके okay, ओके okay, और बस दो जगह और बची है एंड ये हो गया फाइन सो so हम लोगों ने परसेंटेज नेम आ, हर जगह पे अपडेट कर दिया एंड डेफिनेटली इसके बाद परसेंटेज शॉर्ट हो जाएगा बगर अगर हम नेम शॉर्ट ना करें तो क्या हो सकता है वही बताने के लिए हम आ, अब एक्चुअली इसको प्रिंट करेंगे सो so, मैं यही लूप दोबारा से रन कर रहा हूँ एंड इस बार हम लोग सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करेंगे सो लेट सी सो मैं आपको कोड अगर दिखा दूँ सो so, हमारे तीन लूप्स हैं। एक्चुअली एक लूप है वैल्यू लेने के लिए फिर एक नेस्टेड लूप है जो एक्चुअली सॉर्टिंग कर रहा है एंड फाइनली एक लूप है जो वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे हमको वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना इनफैक्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो मैं ये स्कैनर वाले स्टेटमेंट्स हटा रहा हूँ एंड यहाँ पर नेम्स को प्रिंट कर दे रहे हैं नेम्स के आई इंडेक्स को एंड उसके नीचे परसेंटेज के आई इंडेक्स को प्रिंट कर दे रहे काम हमारा हो जाएगा सो परसेंटेज आई इंडेक्स एंड डन सो अभी ये हमारा आउटपुट करेक्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है एंड परसेंटेज सॉरी एंड उसी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए मैं इसको रन कर रहा हूँ सो लेट सी ओके एंड वो गलती हम लोगों ने कर दी जिससे मुझे डर लग रहा था चलिए कोई नहीं मैं प्रोग्राम को स्टॉप कर रहा हूँ एंड साइज को ज़रा चेंज करते हैं हम लोग सिर्फ तीन स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे थर्टी फाइव स्टूडेंट्स के लिए नहीं एंड ये लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ओके सो लेट स्टार्ट ओके The enter name Amit, percentage 95. Enter name Akash, percentage 96. and सिक्स एंटर नेम विकास परसेंटेज नाइन्टी ओके सो अगर अभी आप आउटपुट देखें तो मैंने अमित का परसेंटेज 95 डाला था मगर आउटपुट में अमित का परसेंटेज हो गया 90. आकाश का परसेंटेज 96 था वो भी घट के हो गया 95. मगर विकास जो 90 परसेंट लाया था मगर उसके रिजल्ट में 96 परसेंट आ रहा है डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक है ये एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग शॉर्ट तो कर दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखिए परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है मगर जिस समय हम लोग परसेंटेज को शॉर्ट कर रहे हैं उसी समय हमको दूसरे एरे की वैल्यू को भी उसी इंडेक्स के हिसाब से शॉर्ट करना होगा सो so हमको ज़्यादा यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है हमको बस ये इंडेक्सेस का ध्यान रखना है राइट जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टिंग किया है ये रहा So, यहां पे हमारे पास टी इंडेक्स है राइट right? सो so, उसी तरह से जैसे हमने परसेंटेज के टी इंडेक्स में परसेंटेज की आई वैल्यू को रखा तो हम नेम्स के टी इंडेक्स में नेम्स की आई वैल्यू को रख देंगे सो लेट्स डू डेट सो नेम्स के टी इंडेक्स में नेम्स की आई वैल्यू अब यहां पर हम क्या करेंगे क्योंकि टी वैल्यू हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था और टी वैल्यू परसेंटेज को होल्ड करके रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है इसी जगह पर आपको एक टी नेम भी क्रिएट करना होगा टेम्प्रेरी नेम राइट ताकि हम यहाँ पर टेम्प्रेरी नेम भी पुट कर सकें सो so, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी नेम्स का टी इंडेक्स सो डैट सेट एंड यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे आप टी वैल्यू को चेंज करें यहाँ पे आप टी नेम को भी चेंज करेंगे सो so, ये हो जाएगा नेम्स का इंडेक्स गुड सो ये हमारा हो चुका है काम एंड बस यहां पर आखिरी काम करना है वो है नेम्स के इंडेक्स में अपने टी नेम टेम्परे नेम को रखना एंड इसके बाद अगर हम इसको रन करें चलिए तीन स्टूडेंट के नाम और उनके परसेंटेज एंटर करते हैं सो लेट्स सपोज अमित 90 आकाश, 96 and विकास, 95. सॉर्ट okay, हो रहा है uh, तो आप देख सकते हैं विकास की पोजीशन थर्ड थी मगर वो सेकंड पोजीशन पे आ गया क्योंकि उसकी परसेंटेज 95 है एंड ये सेम काम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने लगेगा हमको बस यहाँ पे कंडीशन को उल्टा करना होगा एंड एक आखिरी रन सो लेट्स सी के फाइनल रन सो अमित परसेंटेज नाइनटी आकाश परसेंटेज नाइनटी फाइव एंड विकास दिस टाइम नाइनटी सिक्स सो आप देखिए विकास सबसे आखिरी में एंटर हुआ था मगर उसका नाम सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो उसके परसेंटेज का सो डेफिनेटली अब ये सेम लॉजिक थर्टी फाइव नेम्स के साथ काम करेगा आपको बस यहाँ पर साइज़ की जगह पर एंटर करना होगा थर्टी फाइव एंड आप रन करके देख सकते हैं थर्टी फाइव नेम्स एंड परसेंटेज एंटर करके सो so, ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट था और हमारा आज का प्रोग्राम सो दैट्स इट फॉर टू ट्यूटोरियल होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग